भाई खेत में कहीं कहीं वायर है, नीचे चौपी है, कहीं ज्वार भी बोई है, और पानी का तो देखो आप कहीं रंग नहीं है, अभी कभी आवे कभी नहीं आवे, कहीं तो बदल आता जाता रहे। बरसात जब तक अच्छी नहीं हो, मेरी बरसात कहाँ हो रही है अभी? राम राम बताओ। राम राम। किसके चिट्ठी है? चिट्ठी ये लो चिंतावन जी, आपकी चिट्ठी। और ये आत्माराम के बहू की चिट्ठी। बहू की शेर से होगी? नहीं, शेर से आई है, शेर से सुरेश भैया की है। हमारी चिट्ठी है कोई? हाँ है, तुम्हारे भाभी की चिट्ठी है, शहर से आई है। मैं घर आ रहा हूँ, वही दे दूंगा। मैं आ रहा हूँ चिट्ठी पहुँचा के। कैसा जमाना आई जो है, बहू का नाम से चिट्ठी लिखी जो है। अरे भाई वापस में आई से जो तो जाजे दादा, यो गयो नहीं यो आयो। राम राम भाई साहब। कई भाई साहब, छोरा की चिट्ठी आई है। अरे भैया वो नालायक हमारे क्यों चिट्ठी विट्ठी देने लगे हो? सैनी तारा दोस्त बहू के नाम चिट्ठी लिखे, मॉडर्न जमानो है। लिफाफे वाली जरूर कोई खास बात। मुन्नी उसको बोलेगी भाभी तेरे नाम की चिट्ठी आई है। जा झूठी कहीं की बहाना मत बना, जा स्कूल जा। सच्ची भैया आपकी चिट्ठी है, सुरेश भैया की है, देर से। वाह, मारो छोरो महारा लिए लिफाफा की चिट्ठी भेजे। नीबा साहब बहू के नाम। क्या बहू के नाम? हाँ ये देखो। चिट्ठी नहीं पड़ेगी, गुड़िया खरीदी की नहीं। जिसकी चिट्ठी वही पड़े हमें क्या? हाँ हाँ बहू, हमारा नाम से चिट्ठी आई है तू ही पढ़ ले, हमें भी तो पता चले कहीं लिखे हो हमारा छोरा ने। हाँ तेरे आदमी ने बड़े प्यार से चिट्ठी लिखी है, पढ़ ले। हाँ बहू, हमें भी तो पता चले कहीं पढ़ाई की है तूने। तू क्यों सर मेरी है? उन नालायक के तो लाज नहीं लुगाई के नाम चिट्ठी लिखते, और थारे किन बात की लाज? तुम क्यों क्या ताना दे रहे हो? ले बहू पढ़ ले। राम राम, कई जमाने आई गए है, अरे घर में बाप बेटों ने लुगाई का नाम चिट्ठी लिखे? मैं
भूली गई। कहीं भूली गई? पढ़ना भूली गई। अरे थारा बाप तो कहता था कि छठी तक पढ़ी है। मैं दूसरी क्लास तक तो स्कूल गई थी, फिर छठी तक तो पिताजी ने कहा फिर घर पे ही पढ़ ली। भाभी तुम्हारे बाबू झूठ बोले। ये लो महाराज राजकुमार के तो वहाँ पढ़ी लिखी बहुत चाहिए थी नी, और मिली भी तो ऐसी पढ़ा को। भूली गई तो भूली गई, जिंदगी भर चौका चूल्हा ही तो करना है। ले मुन्नी तू पढ़ी के सुना या चिट्ठी? हाँ पढ़ मुन्नी। मैं बड़े उसकी मात्रा पू या आधा या खाली पूछे पा में छोटी ई की मात्रा पी ता में बड़े आ की मात्रा पा जा में बड़ा बड़ी ई की मात्रा जी पिताजी पूछे पिताजी को चरण सा आधा पा खाली शाह के ऊपर रख की रेत स्पर्श पूजे पिताजी को। अरे कई गटर पे ट्रेलर है नो दन चले ढाई कोस। अरे ऐसे तो चिट्ठी पढ़ने में एक महीनों भर लगा देगी। इतनी देर में तो मास्टर से पूरी चिट्ठी पढ़वाई लेता, जाओ मास्टर से पूरी चिट्ठी पढ़वाई लो। अरे जिनकी चिट्ठी हुई पढ़े हमारे कहीं थोड़ी जैसी जीत मत करो। अब जाई क्या नहीं रहा हूँ? अब जाई रही हूँ, ऐसी जल्दी भी कहीं है चैन से बीड़ी भी नहीं पीने दे, और उसके शर्म भी नहीं आवे लोगे का नाम चिट्ठी लिखते, बाप का नाम चिट्ठी लिखते हो कहीं कहीं काली पागड़ी होती थी। पढ़ाई भी कोई पढ़े हुए है? अरे कहे कि भूली गई पढ़नो लिखनो। भूल गई? कहाँ तक पढ़ी लिखी है? उसका पिताजी तो कहता था कि छठी तक पढ़ी है, पर वाह किए कि दूसरी का बाद स्कूल छोड़ दियो। अरे मार साहब, अरे हथेले भी कहीं सरसों उगे है, पढ़नो लिखनो औरतों को काम है, जबरदस्ती पढ़ाई भी दो तो ऐसो जो है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है माता, अगर दूसरी के बाद भी लगातार पढ़ती लिखती रहती तो भूल सकती थी। खैर, स्कूल छूटने के बाद घर आके पढ़ दूंगा ताकि बहू भी सुन ले। अच्छा चलो, राम राम माता। हाँ भैया, अरे चलम वलम तो पी लो। आओ भैया, कहाँ से आ गया हो? राम राम। राम राम। अरे बैठो तो भैया, बहू ने चिट्ठी पढ़ तो ली। अरे वाह, क्यों नहीं पढ़ी सके? पढ़ी लिखी है भैया। चिट्ठी में कहीं खबर है? खबर सब सब ठीक है। नौकरी वोकरी तो ठीक है? नौकरी नौकरी सब ठीक ठाक। तरक्की होने वाली? वाह, तनख्वाह भी बढ़ी जाएगी। अच्छो जे, घर की बात घर में रेवे, नहीं तो मुखिया जी के पास जाना पड़े और नहीं कोई मास्टर जी से विनती करो। पढ़ी लिखी बहु होने को यही तो फायदो है, क्यों मदरी? और हाँ, अब के तो चिट्ठी भी उनका नाम आई है। पर छोरो है बड़ो पावन, नियम से चिट्ठी लिखे है। सुनिया तो उनकी तबीयत खराब थी, अब कैसी है? ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। नहीं भैया, कमजोरी तो रेज है, लंबी बीमारी का बात। मारी मानो तो बहू का विका पास भेज दो, विकी देखभाल भी कर लेगी और एक दिन भी लगे रहेगा। बेचारा की याद तो आती होगी, देखो नी चिट्ठी पे चिट्ठी दिया जा रही है। अच्छा मैं चलूं। बच्चों, आज हम विज्ञान की क्लास में सूरज के बारे में पढ़ेंगे। सूरज हर दिन सुबह पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब। अरे आप फिर आ गए? यह जी माठा, यह चिट्ठी अभी पढ़ दो। बेटा धापुड़ी, पहलो पाठ पढ़ दो। आज विज्ञान के युग में रह रहे हैं, आखिर मनुष्य ने विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष को जीत ही लिया। धरती चांद तारों और सूरज के बीच की जगह को अंतरिक्ष कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से कई लाख किलोमीटर दूर है, फिर भी अंतरिक्ष ज्ञान में बैठ कर मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच ही गया। अंतरिक्ष ज्ञान ने पृथ्वी को फोटो खींचा। इस फोटो को देखो, यह फोटो बताता है कि पृथ्वी बहुत सुंदर गोल है। बहुत पहले साधारण लोग समझते थे कि पृथ्वी चपटी है। अपने लिखियो है कि पूज्य माताजी पिताजी को प्रणाम। भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर भला चंगा हूँ। आशा करता हूँ कि घर में सब कुशल मंगल से होंगे। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि 2 हफ्ते और दवाई खानी पड़ेगी। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, बीमारी के कारण मुझे 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी। मुझे अब छुट्टी 6 महीने बाद ही मिलेगी। इस बुआई में मेरा आना मुश्किल होगा। बड़े भैया और गुड्डू ने कानपुर से चिट्ठी लिखी थी, वो दोनों राजी खुशी से हैं। वहां पर सब कुशल मंगल में हैं। माता जी की तबीयत कैसी है उन्हें कहना कि आराम लें। घर में अब उनका हाथ बटाने वाली पार्वती है। मुन्नी को कहना कि उसकी गुड़िया मैंने ले ली है, वो अगली बार मिल जाएगी। यहाँ सब ठीक ठाक है, महीने भर और इलाज करना पड़ेगा, पर चिंता की कोई बात नहीं। आपका बेटा सुरेश। और इना कागज में कहीं है? वो तो बहू का नाम है, उसके पढ़ी के हम कहीं करांगे? छोरा की खबर तो आपके मिली गई है। अरे ये तो कहीं है इनमें? अरे फिर वो पढ़ी लिखी भी तो नहीं सके। छोरा ने बड़ो शोर मचाए थो कि पढ़ी लिखी बहू चाहिए, इसी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई है इन्हीं उम्र में। देखी कहीं रहे उमार साहब, और फिर ऐसा कहीं लिखे हो? मारे तो यूं डर है कि अपनी सही बीमारी का हाल हमसे छिपे रहो है। पिछली बार जिन वक्त बीमार पड़े थो हमारे यूं नहीं बताया थो
क्या अस्पताल में भर्ती कराया और इन वक्त जो हालत खराब हो तो बहू के शेर भेज दूंगा। मारता तुम्हारे पाँव पे मारता मारे इतो बताई दो कि कहीं बीमार तो नहीं है। प्रिय पार्वती तुम कैसी हो? मैं यहाँ भला चंगा सा ही हूँ। मेरा बुखार पूरा उतरा नहीं है, रात में थोड़ा बढ़ जाता है। डॉक्टर का इलाज चल रहा है, उन्होंने कहा है कि 7-8 दिन दवाई खाने के बाद ही वे कुछ बता पाएंगे। रात में बुखार काफी बढ़ जाता है और तुम्हारी याद बहुत आती है। इच्छा होती है कि तुम्हारे नर्म हाथ मेरे सिर को सहलाएं। ए चुप रहो, मारो छोरो तो एकदम खेलियो है मार साहब। एक तो ऐसी बोल आए हो ना घर में कि खाली हाथ और खाली खोपड़ी और उम्र रखराज अनपढ़ के चिट्ठी लिखे है। कैसो जमाना आयो है, जरा लाज शर्म नहीं। और वह निरक्षर माथो फोड़ेगी ना कागज से। राम राम। भलो चंगो है, बीमार पड़ी गए तो और आप ठीक है, इन्हीं बुए में नहीं आई सके वो। पर बहू क्या रोने लगी गई? मैं क्या जानू, पढ़ी लिखी है खुद पढ़ ले। पर बहू क्या रोने लगी गई? मारी तो नाक कटी गई की वजह से कहीं टुकड़ टुकड़ देखे खानो लगा। Ah!
भाभी खानी नहीं खाएगी। भाई तुम्हें बुरा लागियो। मुन्नी तुम्हारा एक काम करेगी, एक दबाई दो। नहीं मुन्नी जरा ये चिट्ठी तो पढ़ दे। और मेरे बड़े ऊँट की मात्रा पू जा आधा या खाली पूजन माता जा में बड़ी ई की मात्रा जी पूजय माता। ये नहीं दूसरी वाली। पा मेरा और छोटी ई की मात्रा या काली प्रिया पा व के ऊपर रखिए तब में बड़ी ई की मात्रा ती पार्वती प्रिया पार्वती। यहाँ से नहीं आगे से। मैं जब बड़ा ऊ की ऊपर बिंदी क में आ की मात्रा गा मैं जब आऊंगा त में ओ की मात्रा तो एक स में बड़ी ई की मात्रा सा मैं बड़ी ई की मात्रा री साड़ी ल में बड़े आ की मात्रा ला। नहीं नहीं इसके पहले जाओ हमने बढ़ते तुम बहुत टोकते हो। अच्छा अच्छा अब मैं कुछ नहीं बोलती पढ़ना। हाँ माँ द में ओ की मात्रा दो द में न में ओ की मात्रा नो दोनों हम दोनों एक द में बड़े उ की मात्रा दूसरे दूसरे एक दूसरे से इतनी द में उ की मात्रा दूर दूर है पर द में छोटी ई की मात्रा दिल पर दिल मिले हमें बस रहने दे। मुनिया तू मुझे पढ़ना सिखाएगी? हाँ अभी अभी से। हाँ ये रहा कबूतर का